पांच ऐसे देश जहां सूरज नहीं डूबता। भारत में अंग्रेजों की सत्ता के द्वारा कहा जाता था ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता। वहीं जापान के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि वहां सूरज सबसे पहले उगता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगी जहां पर सूरज बहुत ही कम डूबता है, या फिर यूं कहें कि डूबता ही नहीं। यहां के ज्यादातर लोग उजाले में ही रहते हैं। इनमें से तो ज्यादातर ऐसी जगह है जहां हफ्ते या महीनों तक सूरज नहीं डूबता। जहां पर ऐसे नज़ारे होते हैं वह उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण होते हैं। हमारी पृथ्वी अपने दूर पर 33.5 डिग्री झुकी हुई है समय के अंतर्गत और पोल से निकट के कारण ऐसे नज़ारे आम हैं, जिसकी वजह से इस प्राकृतिक प्रतिभास को मिनी नाइट सन भी कहा जाता है। मिनी नाइट सन ज्यादातर गर्मी के मौसम में होते हैं। नॉर्थ यानी उत्तर में आर्कटिक सर्कल और दक्षिण में आर्कटिक सर्कल में होता है। यहाँ पर सूर्य रात में भी उगा रहता है और काफी दिन तक लोग उजाले में ही रहते हैं। तो आइए मैं आपको ऐसे देश के बारे में बताती हूँ। नॉर्वे यूरोप के शहरों में बेमशहूर है। यह एक ऐसा देश है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस देश में मई से जुलाई महीने तक लगभग 86 दिन सूरज नहीं डूबता। नॉर्वे में सुवालावाड नाम की एक जगह है जहां पर सूर्य 10 अप्रैल से 30 अगस्त तक उगता है। कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश है जिसका अधिकतम भाग बर्फ से ढका रहता है। यूकॉन जगह पर गर्मियों में 50 दिन तक उजाला यूं ही बना रहता है। इस जगह पर आप हसीन वादियां, मजेदार रोड ट्रिप्स का भी आनंद ले सकते हैं। आइसलैंड यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड है। यहां पर मई से जुलाई तक सूरज नहीं डूबता। पानी से घिरे हुए इस खूबसूरत स्थान पर झरने, ज्वालामुखी और प्राकृतिक के खूबसूरत नज़ारे आपका मन मोह सकते हैं। ये थी SM न्यूज रिपोर्ट।